वेलकम टू माय चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता ही है कि दिल्ली पुलिस का एग्जाम है 27 नवंबर से, और कल मैं आपके लिए प्रैक्टिस वन लाई थी कंप्यूटर का, आज मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट टू लाई हूँ कंप्यूटर का। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। SMTP द्वारा प्रयोग किए जाने वाला पोर्ट है। SMTP पहले ये होता क्या है, इसकी SMTP की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होती है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो क्वेश्चन क्या है, SMTP द्वारा प्रयोग किया जाने वाला पोर्ट है 21, 23, 25, 22। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, 25। अगला है रुपे डेबिट कार्ड क्या है, जो रुपे होता है वो डेबिट कार्ड हमारा क्या होता है। डोमेस्टिक डेबिट कार्ड होता है इशूड बाय NPC ऑफ इंडिया या एक्सेप्टेड बाय ऑल ATMs एंड POS मशीन, और फोर है ऑल ऑफ अबाव। तो इसका क्या आ जाएगा, सारे ही होते हैं, है ना। डोमेस्टिक डेबिट कार्ड भी होता है इशूड बाय NPC ऑफ इंडिया एक्सेप्टेड बाय ऑल ATMs एंड POS मशीन। उसके बाद है, निम्न में से कौन एक निर्देशित मीडिया नहीं है, इनमें से कौन सा जो है वो निर्देशित मीडिया नहीं है। तो कौन सा नहीं है इसमें, वायरलेस जो होता है वो हमारा निर्देशित मीडिया नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, फुल फॉर्म ऑफ ENIAC की फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। उसके बाद है, प्रारंभ मेनू खोलने के लिए शॉर्टकट है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रारंभ मेनू खोलने के लिए हम जो शॉर्टकट यूज करते हैं वो क्या होता है, इन चारों में से कौन सा आएगा। तो आएगा इसका आंसर है विंडो लोगो। क्या होता है, विंडो लोगो। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का वैध संस्करण नहीं है, कि कौन सा इसमें ऐसा है जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का वैध संस्करण नहीं है। तो विंडो XP, विंडो 2019, विंडो 8, विंडो 7। तो क्या आएगा इसका आंसर, विंडो 2019। फिर SMTP की फुल फॉर्म तो मैंने बताई दी थी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर है, निम्न में से कौन सी हार्डवेयर इकाई डेटा पर गणितीय कार्य करती है, जो गणितीय कार्य करता है कौन सा है हार्डवेयर इकाई। तो ये तो सबको ही पता है क्या होता है इसका, ALU। फिर अगला क्वेश्चन, हम गूगल क्रोम में वर्तमान पृष्ठ को बुक मार्क करने के लिए दबाते हैं, कि जब हम गूगल क्रोम में वर्तमान पृष्ठ को हम बुक मार्क करना है तो उसके लिए हम क्या दबाएंगे, Ctrl D, Ctrl B, Ctrl S, Ctrl+Shift+J। तो क्या आएगा, Ctrl D। क्या दबाएंगे, Ctrl D। उसके बाद है वायरस क्या है, मैन मेड, नेचुरली, मशीन या ऑल ऑफ द अबव। तो जो वायरस है वो किसने बनाया, मैन मेड। क्या है, मैन मेड। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, फेसबुक की स्थापना किसने की थी, ये तो सबको ही पता है फेसबुक की स्थापना किसने की थी, जल्दी बताइए। इसका है मार्क जुकरबर्ग। उसके बाद सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 11 में क्या है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित वेब इंजन निम्न में से कौन सा है, जो माइक्रोसॉफ्ट है उसके द्वारा जो वेब इंजन था वो निम्न में से कौन सा है, बताइए, याहू, बिंग, अलिस्टा या गूगल। तो क्या आएगा, बिंग। क्या आएगा, बिंग। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर का होना अनिवार्य है, कि जो इंटरनेट है उससे जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर का होना अनिवार्य है, बताइए क्या होना अनिवार्य है। तो इसमें हमेशा, ये सबको ही पता है कि अगर इंटरनेट से जुड़ना है तो उसमें कंप्यूटर क्या होना जरूरी है, उसमें ये यूनिक IP एड्रेस क्या होना चाहिए, IP एड्रेस होना चाहिए हमारा। फिर है OSI मोड की निम्न परत में से कौन सा डेटा संपीड़न करता है, कौन सा करता है। तो क्या आएगा, नेटवर्क, फिजिकल, प्रेजेंटेशन, डाटा लिंक। तो क्या आ जाएगा, प्रेजेंटेशन। फिर है क्वेश्चन नंबर, फिर है OSL की फुल फॉर्म क्या होती है, ओपन सॉफ्टवेयर लाइसेंस। क्या होता है, ओपन सॉफ्टवेयर लाइसेंस। तो इसमें पूछा है कि कौन डाटा संपीड़न करता है OSL मोड की निम्न परत में, तो इसका आंसर प्रेजेंटेशन आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा ई कॉमर्स का प्रकार नहीं है, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टम, कंज्यूमर, ई कॉमर्स, एम कॉमर्स। तो क्या है इसका आंसर, ई कॉमर्स जो है वो कौन सा इसमें पूछा है, ई कॉमर्स का प्रकार नहीं है, तो कौन सा नहीं है, ई कॉमर्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुवादक लाइन से लाइन ट्रांसलेट करता है, कि कौन सा
अनुवादक है जो लाइन से लाइन ट्रांसलेट करता है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, बताओ कौन सा है इनमें से? तो इसमें आएगा इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर जो है वो अनुवादक है जो लाइन से लाइन ट्रांसलेट करता है। अब हम कुछ फुल फॉर्म पढ़ेंगे कंप्यूटर की, कंप्यूटर में कुछ वर्ड्स की जो फुल फॉर्म होती है वो ROM। ROM क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। फिर है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर है PROM, PROM, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद है HDD, HDD क्या होता है? हार्ड डिस्क ड्राइव। FDD फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। KVD कीबोर्ड। DVD होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। SMPS होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। POST पोस्ट होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। VDU होता है विजिबल डिस्प्ले यूनिट। LED लाइट एम्बेड डायोड। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। USB होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। LAN होता है लोकल एरिया नेटवर्क। WAN होता है वाइड एरिया नेटवर्क। MAN मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क होता है, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। HLL हाई लेवल लैंग्वेज। HTTP हाइपर टेक्स्ट टेम्पलेट्स। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। उसके बाद है 4 बिट्स किसके बराबर होता है? एक निबल के। और 8 बिट्स किसके बराबर होता है? 1 बाइट के। ये भी आ जाता है पेपर में कि 4 बिट किसके बराबर होता है? 1 निबल के। 8 बिट्स 1 बाइट के। 1024 बाइट्स होते हैं 1 किलोबाइट। 1024 के भी होते हैं 1 मेगाबाइट। और 1024 मेगाबाइट होते हैं 1 गीगाबाइट। तो आप इस पूरी पेपर का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं कल आपके लिए एक नया वीडियो लाऊंगी नए क्वेश्चनों के साथ। तो कल के लिए जय हिंद, जय भारत।